नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। हमारा जीवन संपूर्ण संघर्षमय रहा है। हमारे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। हमें उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। हमारा जीवन संघर्षपूर्ण जीवन है। यहाँ इकाई 6 हिंदी में हमारा काव्य है तूफानों की ओर। इस काव्य में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हमें कठिनाइयों का सामना कैसा करना, कैसे करें, उसकी सीख हमें इस काव्य द्वारा दी गई है। यहाँ इस काव्य में सुमन जी ने समुद्र का उदाहरण हमें देकर हमें किस तरह हमारा जीवन जो कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई संकट, कोई आफत आए उसका सामना हमें कैसे करना चाहिए और हमें किस तरह हमारा जीवन जीना चाहिए, इसका उदाहरण सागर समुद्र द्वारा इस काव्य में दिया गया है। इस काव्य का नाम है तूफानों की ओर। और इस काव्य का साहित्य प्रकार भी काव्य है। काव्य के कवि शिव मंगल सिंह सुमन, यहाँ सुमन जी का परिचय हम ले तो उनका पूरा नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन उनका उपनाम है। हिंदी साहित्य में यह कवि अपने सुमन उपनाम से हिंदी साहित्य लिखते हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 में जगरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है हिंदी साहित्य लेखन के कारण। यहाँ पद्मश्री उनको भारत सरकार ने दिया है। उनका साहित्य देखे यानी कि उनकी साहित्य रचना तो मिट्टी की बारात, जीवन के गान, युद्ध का मोल, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास, हिंदी साहित्य रचना इनकी बहुत अच्छी रही है। साथ में कई कविताओं द्वारा हमें जीवन जीने की सीख भी दी है। तो इस काव्य के शुरुआत करने से पहले इस काव्य के शब्दार्थ देखें तो नाविक यानी नाव चलाने वाला, नीज यानी अपना, पतवार यानी चप्पू यानी जो नाविक होता है नाव चलाने वाला उसके हाथ में एक लकड़ी का चप्पू होता है नाव को आगे बढ़ाने के लिए, ज्वार यानी तूफान, अखंड यानी आंधी, असीम यानी सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता यानी शक्ति अपनी योग्यता, स्पंदन यानी चेतना धड़कन, बल पर यानी सहारे किसी के सहारे। सुमन जी ने यहाँ इस काव्य द्वारा जीवन के कुछ मूल्यों उजागर किए हैं। हमें जीवन कैसा जीना चाहिए उसकी बात कही है। जीवन मूल्यों में देखें तो इस काव्य में धैर्य, गतिशीलता, साहस, संघर्ष, लक्ष्य, हिम्मत, परिश्रम, उद्यम,
यह सारे मूल्य हमें इस काव्य में दिए गए हैं। इस काव्य की शुरुआत हम पहले काव्य गान से करेंगे और उसके पश्चात इस काव्य का हम भावार्थ समझूती प्राप्त करेंगे। हर एक पंक्ति में कवि ने हमें कुछ न कुछ नया सिखाने की सीख दी है। काव्य जिस प्रकार कोई इंसान योद्धा युद्ध में लड़ने जा रहा है, तब जो अपने अंदर का भाव होता है वह भाव इसमें दिखाया है, जैसे एक वीर रस। तो यहाँ काव्य छे तूफानों की ओर कवि शिव मंगल सिंह सुमन काव्य है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नित पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है लहरों का यो वन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नित पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अखंड में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है परमा जी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके बल पर ही कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह काव्य में कवि ने हमें यानी कि नाविक को तूफानों का सामना करने के लिए कहा है। कहते हैं कवि, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नित पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नित पतवार, हे नाविक तू अपनी पतवार अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दे, क्योंकि आज समुद्र ने जहर उगला है, कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है, लेकिन तुझे उससे घबराना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। आज तूफान को भी तू बता दे कि तू एक इंसान है, फिर भी तू कुछ भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है मानो कि तूफान ने विष जहर उगल दिया है, वो हमें हराना चाहता है, लेकिन हे नाविक तू उसे घबराना नहीं, भले ही क्यों ना उसने अपनी कठिन परिस्थितियां पैदा क्यों ना कर दी हो, तो आज तू अपनी नाव उस तूफान की ओर घुमा दे। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वार कहाँ कहाँ उठा है, तो ज्वार समुद्र में उठा है, साथ में कवि के हृदय में भावनाओं का भी ज्वार उठा है। तो कवि भी कहते हैं कि हे नाविक तू घबरा मत, तू इस तूफान का डटकर सामना कर। हम जीवन में हमारे कई सारी तकलीफें आती है, उसका सामना हमें डट कर करना चाहिए। जिस प्रकार एक चिड़िया जब ऊपर चढ़ती है या कोई चींटी जब शुरुआत करती है चलने की, तब वह कितनी बार गिरती है, कितनी बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। तो उसी प्रकार हमें भी जीवन में किसी भी कठिनाई तकलीफ से डरना नहीं चाहिए, उसका हमेशा सामना करना चाहिए। आगे कहते हैं,
लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस खंड में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नित पतवार। हे नाविक, इस साहस, साहस यानी हिम्मत, तू अपनी हिम्मत दिखा। जीवन में कभी कभी भाग्यशाली लोग को, भाग्यशाली मनुष्य को ही इसका सामना करने की हिम्मत मिलती है। तो हमें जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना करके उसका रूप बदल देना चाहिए। जिस प्रकार ज्वार, तूफान, उसकी लहरें आज उगल रही है, अपना ज्वार उगल रही है, जहर उगल रही है, तो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का मौका कभी कभी मिलता है। तो इस मौके पर हमें उस मौके को अपनाना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। साहस, हिम्मत, हमारे अंदर कई तरह हिम्मत आती है, तो उस हिम्मत दिखानी चाहिए, उसे डर कर भागना नहीं चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। स्वयं हमें अपने को आजमाना है उस तूफान के सामने, कठिनाइयों का सामना करके। आगे यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, सागर, सागर की कोई आज तक सीमा नहीं दिखाई देती है। लेकिन कवि कहते हैं, हे नाविक, तू अपनी पतवार तूफान की ओर ले चल, भले उसका कोई सीमा ना दिखे, उसने अपना रौद्र स्वरूप भले ही दिखा दिया हो, लेकिन आज तू सागर को भी बता दे कि तू एक मनुष्य है, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। और साथ में कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। क्यों? आपको यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। तो मनुष्य को मिट्टी का पुतला इसलिए कहा है कि मनुष्य का जन्म धरती पर होता है। मनुष्य बचपन में मिट्टी से खेल कूद कर ही बड़ा हुआ है। मिट्टी द्वारा उत्पन्न हुआ पदार्थ द्वारा उसका पालन पोषण हुआ है और अंत में मनुष्य का देह वह भी मिट्टी में ही मिलने वाला है। तो मनुष्य चाहे भले ही मिट्टी का पुतला क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर हिम्मत, कठोर परिश्रम, धैर्य, सहनशीलता आदि सब गुण है। तो उस गुण का उपयोग कर हमें हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करना है, उसे घबराना नहीं है। इसीलिए ये नाविक, तू तूफान को भी बता दे कि भले ही हम मिट्टी के पुतले क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर कठिनाइयों की समस्याओं का सामना करने की अदम्य शक्ति है, तो उस शक्ति का उपयोग कर। इसलिए हे नाविक, तू अपनी नाव तूफान की ओर ले चल। आगे कहते हैं, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कप कपता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बर पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर के पास भी अदम्य शक्ति है, लेकिन साथ में मनुष्य के पास भी शक्ति है, आत्मविश्वास है, हिम्मत है, उसका संघर्ष जीवन से लड़ने का है। तो माझी भी यानी नाव चलाने वाला वे भी थकने वाला नहीं है। चाहे जितना भी सागर अपनी लहरों द्वारा
इंसान मनुष्य को यानी नाविक को डराना डराता है, फिर भी मनुष्य डरने वाला नहीं है क्योंकि उसके अंदर अदम्य आत्मविश्वास है। इसलिए हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे समुद्र भी पार कर डालना है। इसीलिए यहाँ कवि ने अंत में कहा है कि इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तो मनुष्य ने भी कई सागर पार कर डाले हैं, भले ही सागर अपना रौद्र स्वरूप, सागर में जब आंधी आती है तब वह अपना रौद्र स्वरूप दिखाता है। तो उस रौद्र स्वरूप में हमें संघर्ष, साहस, धैर्य रखना है। धैर्य रखकर उस कठिनाई जो सागर ने पैदा की है, तो उस कठिनाइयों का डटकर सामना करना है, उसे हमें घबराना नहीं चाहिए। साथ में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हे नाविक, समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, भले ही चाहे वे जहर उगल रहा हो, कठिन परिस्थितियां पैदा कर रहा हो, लहरें भी उमड़ कर तुम्हारी सामने आ रही हो, लेकिन तुम्हें इस अदम्य शक्ति, संघर्ष, साहस का सामना करना है, बल्कि उससे घबराना नहीं है। इसीलिए हे नाविक, तू अपनी पतवार, अपनी नाव उस समुद्र की ओर ले चल और दिखा दे। तू चाहे भले ही क्यों ना माटी का पुतला हो, लेकिन तू एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तेरे में अदम्य शक्ति है, संघर्ष करना है। हमारा जीवन संघर्षपूर्ण है, हमारे जीवन में कई तरह के संघर्ष आते हैं, लेकिन उस संघर्ष का हमें डटकर सामना करना चाहिए, संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। यह काव्य हमें यही सिखाता है कि हमारा जीवन संघर्षपूर्ण जीवन है, फिर भी उससे डरकर भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हमारा जीवन एक सरल है, लेकिन जब हम किसी ध्येय लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो उस ध्येय और लक्ष्य के प्राप्त के बीच कई सारी समस्या, तकलीफ, मुश्किलें आती है और हम हार मानकर बैठ जाते हैं कि यह मेरे से नहीं होगा, यह मैं नहीं कर सकता। तो यह सब कुछ भूलकर हमें संघर्ष अपने लक्ष्य का पाने के लिए इस तकलीफ, संकट, समस्या, आफत का सामना करना चाहिए। तो यहाँ शिव मंगल सिंह सुमन ने तूफानों की ओर काव्य द्वारा हमें एक नई सीख दी है कि ये मनुष्य जागो, के आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हमेशा इस समस्या का, कठिनाइयों का सामना करते रहो। अंत में कहा जाए तो तूफानों की ओर काव्य में सुमन जी बताते हैं कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। तो यहाँ तूफानों की ओर यह काव्य पूर्ण होता है। तो इस काव्य के अनुरूप कुछ प्रश्नार्थ हैं जो आपको लिखना है। यहाँ पांच प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। दूसरा प्रश्न, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है।
तीसरा प्रश्न, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? और प्रश्न 5, इस अखंड में साहस तोलों का क्या अर्थ होता है? और कुछ अन्य प्रश्न भी है, जो पहला सुमन जी का परिचय लिखो, यानी आपको कवि परिचय लिखना है। दूसरा है काव्य के शब्दार्थ लिखो। तीसरा है काव्य और काव्य का भावार्थ लिखो। और विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 4 है, जो अभ्यास का प्रश्न 4, वह एक प्रद्य समीक्षा है। तो आपको एक काव्य दिया गया है, किताबें कुछ कहना चाहती है, तो उसके नीचे आपको प्रश्न भी दिए हैं, कुछ खाली जगह भी है, और सही निशान लगाइए वह भी दिया गया है। तो आपको काव्य पढ़कर और काव्य में से ही उसके जवाब उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ हमारा काव्य 6 तूफानों की ओर, कवि शिव मंगल से सुमन पूर्ण होता है। अस्तु।